आंटी कैसे हैं आप लोग? सब ठीक? सॉरी मैं थोड़ी सी लेट हो गई, पर पता है क्या होता है ना, जब इंसान के पास थोड़ा सा पैसा आ जाता है ना, तो आराम से ना थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं। हाँ एटीएम को देख लो, सारे दिन एक ही जगह पर पड़ा रहता है ना, पैसे जो उतने होते हैं उसके पास। एनीवे प्रेस वालों को देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। पता है यहाँ पर कितने सारे पुराने पुराने फेसेस हैं, मेरे पुराने दोस्त हैं। हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ पिंकी आंटी है। आज मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल बोली लगाने आई हूँ, लेकिन उससे पहले पूछ लूँ, चाय पानी थोड़ा सा हुआ आपका कि नहीं हुआ ना? मैं क्यों पूछ रही हूँ, आपको लगता मुझे आपकी फिक्र है? नहीं, मुझे अपनी फोटो की फिक्र है। अगर आप लोगों ने चाय पानी नहीं पिया तो मेरी बड़ी गंदी सी फोटो छाप दोगे आप। हाँ मैं स्लिम एंड ट्रिम ही लगना चाहती हूँ फोटो में, ओके? तो मुझे पता है आप लोग पुराने फ्रेंड्स हैं मेरे, मेरे पूरा फिगर विगर का कैप्चर करके मेरी अच्छी सी फोटो छापोगे, ओके? नाउ वेलकम टू आंटी बोली लगाओ बोली। हाँ तो आप लोग यहाँ पर जितने खुश हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा मैं खुश हूँ, क्योंकि गाड़ी तो है ही हमारे आंटी बोली लगाओ बोली के शो में, लेकिन आज स्पेशली आप लोगों के लिए एक बोली लगाने आई हूँ, जिसमें आपको मिलेगा, बताया ना आपको क्या मिलेगा, 10 ग्राम का सिक्का। ये जॉक्स नहीं है, ये रियल है। आप लोग बिड करेंगे और आपको मिलेगा 10 ग्राम का सिक्का, सोने का सिक्का, 25 पैसे वाली है। आपको कौन सा लगता है, क्या लगता है कौन जीतेगा इसमें से? 25 पैसे, पहली बात इंटेलिजेंट काम कर रहे हो आप लोग हैं। चलो आप जी एक जो रईस हैं हट जाओ, ये 25 पैसे वाली जीती। तो यू हैव अंडरस्टूड नाउ कैसे गेम खेलना है? अच्छा मुझे एक पहली बात बताओ कि ऐप कितने लोगों ने डाउनलोड किया, हाथ उठाओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, मतलब 15 लोगों में से, आप 15 लोगों में से कोई एक आज एक 10 ग्राम का सिक्का ले जाएगा यहां से। हाँ नहीं नहीं मैं नहीं आ रही साथ में, ओनली द गोल्ड सिक्का, ओके? तो अब शुरू करते हैं आपकी बोली 4 मिनट के लिए, ओके? रेडी? आएगा आएगा। हेलो टेक्निकल टीम थोड़ा हेल्प कीजिए। नजर माय डार्लिंग प्लीज। हाँ मैं वेट करती, कोई बात नहीं, आराम से मैं अपना सोफा लेके साथ ही घूमती हूँ, किधर भी बैठ जाऊं। फ्रॉम योर फ्रॉम द हैमबर्गर सेक्शन, द मेन्यू सेक्शन, जस्ट गो टू टीवी शो। If you're going to TV show, the auction's not yet live, but it's going to be there. So just keep that TV show page over there. I hope abhi 15 se 20 log ho gaye jo khel rahe hain. You know, you will feel so bad later on, ki hai game chal raha tha, humne download nahi kiya, warna hum bhi lucky winner ho sakte the. Bhai maza nahi aayega agar sab log nahi khelenge to, haan. आप अपने मेन्यू के, जो मेन्यू है ना, मेन्यू रेस्टोरेंट का मेन्यू नहीं यार, इसका चेज़बिड ऐप का मेन्यू, उस पर आप जाओ, टीवी शोज पर, है ना, टीवी शोज पर जाना है ना दाढ़ी वाले भाई साहब। हाँ खूबसूरत भाई साहब, चल खूबसूरत भाई साहब तू ही आ जा, टीवी शोज वाले उस पर जाना है ना, टीवी शोज पे गो ऑन टीवी शो एंड क्लिक्स ऑन द क्लिक ऑन बिड नाउ, जस्ट सेलेक्ट टीवी शो, बिड नाउ, बिड नाउ। You'll see the coin over there in the TV show. देखा सबने कॉइन, वहां पर एक गोल्ड कॉइन सा बना हुआ है। एक मिनट 55 सेकंड रह गए अभी, 4 मिनट का वक्त था आपके पास, अभी इतना ही वक्त बच गया है। अरे सज्जाद मेरली मुंबई महाराष्ट्र से, वो जीत रहे अभी, उनकी यूनिक और सबसे कम बोली है सज्जाद मेहरअली। मैं कह रही गिद्दा पाओ जी, लगाओ बोली यार, मजा तो तभी आएगा जब सब खेलेंगे। और ये जोक्स नहीं है, वाकई में एक सोने का सिक्का मिलने वाला है यहाँ पर। यस यस, वी आर एक्सटेंडिंग द टाइम फॉर अनदर 3 मिनट्स गाइस। आजर खान, आजर खान, वेरी गुड। वेट वेट, अभी 1 मिनट 8 सेकंड है। एक्सटेंडेड हेमंत बजाज, 4 मिनट्स और एक्सटेंडेड। ओहो हेलो लकी विनर आप हो सकते हैं, अगर किसी और ने आपकी बिड से कम बिड ना किया और या आपकी बिड कैंसिल ना हो गई तो अभी तो हेमंत बजाज जीत रहे हैं।
देखो जी, हम कितने ईगर हैं आपको वो गोल्ड कॉइन देने के लिए। हमने वक्त ही बढ़ा दिया, 3 मिनट 41 सेकंड कर देते हैं। राहुल पालेकर पालघर, और राहुल मैं क्या राहुल, संजय त्रिवेदी, कित्थे संजय, संजय त्रिवेदी, अब ऐसा है कि अभी तो संजय, अरे क्या हैंडसम डैशिंग फोटो अपलोड की है संजय ने भाई, वाह, मैं क्या पिंकी आंटी की टक्कर की फोटो है तेरी, शर्मा रहा है, हाय तेरा नाम तो त्रिवेदी, अरे राहुल पालेकर, फिर से राहुल ने लगाई, राहुल पीछे है ना तू, लो जी एक हाथ से कैमरा और दूसरे हाथ से बिडिंग चालू है उसकी। अजहर खान फिर, यार इन्होंने गेम समझ लिया है बस। हाँ ये छोटी पैसों में लगाओ ना बोली, आप रुपयों में मत लगाओ, ये सोचो कि 30,000 का गोल्ड कॉइन मैं चल 10,000 लगा देता, नहीं नहीं नहीं, सबसे कम सबसे अनोखी बोली लगानी है आपको। यार ये अजहर खान ने भी बड़ी कमाल, अच्छा प्रेस वाले हो, अपनी अच्छी अच्छी फोटो लेकर छापते हो आप, हाँ पता है मुझे। तो अजहर खान तुसी हुन जीत रहे हो गोल्ड कॉइन, अगर किसी ने नल एंड वॉइड ना कर दी आपकी बिड को। हमारे जैसा शो कभी आया नहीं, कभी आपने ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है जहां ये सब हो रहा है? लाइव बिडिंग गेम शो है जी, हाँ, जिस पर हर हफ्ते आपको मिलेगी एक कार, टीवी पर पूरा हिंदुस्तान खेलेगा ये गेम शो, और टीवी पर हम हर हफ्ते अनाउंस करेंगे ये चमचमाती हुई एक कार मिलेगी एक लक्की विनर को जो आपकी तरह बिड करेगा। और कार से याद आया, जहां ना पहुंचे मोटर वहां पहुंचे रिपोर्टर, और देखो ना यहां पर कार तो पहुंची नहीं लेकिन आप लोग पहुंच गए, और हमें यकीन है, पूरा यकीन है कि आप जहां तक पहुंच गए हो तो ये बात भी हर घर में पहुंच जाएगी कि हमारा कितना अच्छा शो है, और आंटी बोली लगाओ बोली जैसा अनोखा शो कभी और हिंदुस्तान में हुआ ही नहीं। और जी गाड़ी नहीं होगी उस शो में हर हफ्ते हर संडे को, वो जी एंटरटेनमेंट भी होगा, हाँ बिडिंग होगी, गाड़ी मिलेगी, और मेरे ना बड़े बड़े बॉलीवुड सेलेब्रिटी फ्रेंड्स आएंगे। हाँ मैंने क्या कह दिया, वो जी बॉलीवुड सेलेब्रिटी तो आप लोग बोलते होगे, मैं तो उन्हें सिर्फ फ्रेंड्स बोलती हूँ, हमारा तो रोज़ उठना बैठना है उनके साथ। मैं प्लीज़ मुझे छुपा लो। ओए यार ये हैप्पी मेरा बेटा, ओए तो कोई छुपाने वाली चीज़ है, हैं 9 महीने मैंने पेट में छुपाने की कोशिश की तो 8वें महीने में बाहर आ गया था इंसिस्ट करके। और ये प्रेस वाले इनसे कुछ नहीं छिपता, ये तो छापते हैं, और तो कोई काला धन नहीं है जो छिपा दूं मैं तुझे। क्या हुआ मम्मी? वो राहुल, मैंने उसका शर्ट फेंक दिया तो नाराज हो गया। हैं, तूने अपने फ्रेंड राहुल का शर्ट फेंक दिया तो वो नाराज क्यों हो गया? शर्ट में वो भी था ना। ओए यार तू ऐसी हरकतें ना करा कर। अच्छा सुन हैप्पी, ये मेरा पुत्र है हैप्पी, ये प्रेस वाले ने इनको हेलो बोल। हेलो क्यों बोलूं, फोन पे थोड़ी बात कर रहा हूं। Hi, बोलूंगा। Hi, myself happy. I am 21 years old, BSc, first year, market का सबसे पढ़ा लिखा bachelor. सच बोल रहा है, BA first year में 3 साल तक पढ़ता आया है। नहीं मतलब मम्मी मैं वक्त के साथ बदलता नहीं ना, इसलिए। हाँ ये भी बता दे कि तू अंडरवेयर बनियान में नहीं बदलता। मम्मी मीडिया के सामने अंदर की बातें क्यों बता रही हो? और ये मीडिया है तो अंदर वाले अंदर की बातें यही तो बाहर निकाल। गाड़ी है, बंगला है, वही सब देखकर तो मैं पीछे पड़ी हूँ। मेरा मतलब है मैं भी किसी हीरोइन से कम थोड़ी ना हूँ, हाँ बस एक बार ये चमचमाती कार मिल जाए फिर मैं भी हीरोइन। ओए वाना भी हीरोइन, तुमको पता नहीं आज कार नहीं, आज सोने का सिक्का मिल रहा है 10 ग्राम वाला। हाँ। और तू ना फटाफट एग्जिट ले ले यहाँ से, वरना ये प्रेस वाले तेरी बुरी एक्टिंग की खबर छाप देंगे, जा जा निकल यहाँ से। और ये गंदा सा वाला मुंह भी छाप देंगे, जा 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 यहाँ से। यू डोंट नो मैं यहाँ पर अपने सेलेब्रिटी बॉलीवुड सेलेब्रिटी फ्रेंड्स को बुला रही हूँ और ये लोग आ रहे हैं टपक पड़ रहे हैं, कोई पड़ोसी है कोई मेरा बेटा। एनीवे मेरा खानदान के इकलौते चिराग बलवंत सिंह राठौर खुद ही अनाउंसमेंट करते हुए आ रहे हैं। लो जी वो भी आगे जिन्हें नहीं आना चाहिए था, मेरे पड़ोसी और इसके पप्पा। और राठौर साहब कुछ पकड़ के खड़े हो जाओ वरना यहाँ एग्जॉस्ट फैन है, निकल लोगे एग्जॉस्ट में यहाँ आप। हाँ
और आप यहाँ पर क्यों आए हो? यहाँ पर प्रेस वालों के लिए 10 ग्राम के सिक्के, सोने के सिक्के की बोली लग रही है। चलो चलो यहाँ से। अरे काम करो ना, वो सिक्का मुझे दे दो, मैं मंगलसूत्र बनाकर तुम्हारे गले में पहनाऊंगा। गुलाबू आई एम द पिंकीज। ओए पिंकी नाम कितनी बार बोला मैंने तुझे? आज वाला मिलाकर 34 बार हुआ है। तो 34 बार बोलो ना, आखिरी बार, आगे मत बोलना। हाँ तो ठीक है, आज के बाद बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मीडिया वालों, आप लोगों को मसालेदार खबरें चाहिए होती है ना, आज मैं आ देता हूँ मसाला आपको। नीचे बैठ जाता हूँ। तुझे बैठने की जरूरत नहीं है, तू खड़ा होता ना तो भी बैठा भाई लगता है। अरे नहीं, वो क्या बात है ना कि शादी के बाद हर मर्द अपनी बीवी के पैरों में होता है ना। मैंने कहा आज से शुरू कर दो। गिफ्ट लाया था तुम्हारे लिए, कहाँ रख लिया? गिफ्ट मेरे लिए? अच्छा, खाली डब्बा? खाली? अरे इसमें अंगूठी रखी थी, कहाँ गई अंगूठी? अंकल मोनिका, तेरे को शर्म नहीं आती अपने बाप के घर में चोरी करते हुए? ए पापा, अरे मम्मा, मैं भला अपने घर में क्यों चोरी करूंगी? मैं तो बस अंगूठी की फिटिंग देख रही थी, फिट आ गई, मुझे लगा मेरे लिए है। तो किसी दिन फांसी का फंदा लेके आएंगे तो वो भी मिल लोगी। ए मोटे, मेरी बेटी को ऐसे बोलता है, तेरे को मैं बताता हूँ। नहीं पापा, ए मोटे, कुछ मत करना मोटे। क्या कर रहे हो मेरे शो की ऐसी की तैसी कर रहे? डार्लिंग देखा कितने समझदार है अपने बच्चे, हम दोनों को अलोन टाइम देकर निकल गए। तू भी थोड़ा सा बंजार बन जा, मुझे भी अलोन टाइम दे दे स्टेज पर अपने प्रेस वालों के साथ। जाना इधर, प्रेस के लिए बोली लग रही है, चल चल। हाँ तो मैं भी लगाता हूँ ना बोली। अरे ये प्रेस वालों के लिए स्पेशल, मीडिया के लिए बोली है। कोई बात नहीं, मैं मीडिया के लिए बोली लगा देता हूँ। अभी लो, अब बारी बरसी करने की आसी। खट के ले आजा विकिपीडिया, आज सोने का सिक्का जीतेगा ये मीडिया, आज सोने का सिक्का जीतेगा ये मीडिया। ये कैसी बोली हुई है, ये बोली है क्या? अरे नहीं पसंद आई तो दूसरी लगा देता हूँ, कौन सी बात। अरे ये एक तो सोना बड़ा पहना निकल जाता है, अभी लगाता हूँ। और बारी बरसी खटन गया सी, खट के ले आंदा थैला, ले लो ओ ले लो, कैसी तू ले लो, हर कोई क्या है से मिलना। तू नहीं मानेगा, मैं ये ले। अरे नहीं नहीं निकल 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 निकल, अरे ऐसे नहीं। मैं कह रही हूँ मेरा शो है थे, हाँ तो मेरी ड्रेस भी इत्थे उत्थे हो रही है। एनीवे अब ना, बिफोर एनीबडी एल्स इंटरप्ट्स, मैं आपको शो के ना स्पेशल गेस्ट इंट्रोड्यूस करा ही देती हूँ। तो जैसे कि मैंने कहा कि मेरे शो में आएंगे बड़े बड़े बॉलीवुड सेलेब्रिटीज़ होंगे आपके लिए, मेरे तो सिर्फ फ्रेंड्स हैं, उठना बैठना है। तो विदाउट फर्दर अडूज, वेलकम ऑन स्टेज द चार्मिंग एंड प्रिटी, नॉट एज प्रिटी एज मी, शिल्पा शेट्टी कुंद्रा एंड राज कुंद्रा। हाय, पैर ही पहना कर रहे मेरे को। जीते रहो पिंकी आंटी का आशीर्वाद है इन दोनों को। वैसे शिल्पा कितनी अच्छी लग रही है ना, हाँ स्लिम ट्रिम हो ही गई है, मैंने कितनी डाइटिंग टिप्स दी इसे। अब इसके और मेरे फिगर में 19-20 का ही फर्क है, ये 20 है मैं 19, है ना। हेलो डार्लिंग, लव्स यू। तो शिल्पा आप ना कुछ प्लीज 2-4 वर्ड्स बोलेंगे प्रेस का? यस, ओम श्री गणेशाय नमः। ये सबसे पहले मैं आज इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि कोई भी शुभ काम शुरू करने से पहले हमें सिखाया गया है बचपन से कि ओम श्री गणेशाय नमः करिए। मेरे लिए ये हमारे टीवी का पहला प्रोडक्शन होगा, आंटी बोली लगाओ बोली, एंड इससे बड़ा शुभ काम हो नहीं सकता। और मीडिया वालों ने हमेशा मुझे हर काम में सपोर्ट किया है, तो मैंने सोचा कि आज आप ही के साथ मैं शुरुआत करूं और पहली बोली आप ही से लगवाऊं। एंड लेट्स सी, सरप्राइज़ है कि कौन जीतने वाला है। मेरे बहुत ही करीब दोस्त और मैं उनके बारे में क्या कहूं, राजनायक साहब, मैं बहुत रिक्वेस्ट करती आई हूं कि मुझे कलर्स चैनल के लिए कुछ करवाने के लिए ले लीजिए यार प्लीज़। मैं भी कर लेती हूँ थोड़ा बहुत टीवी, उन्होंने किया नहीं तो अभी चलो इस शो के जरिए ही हम कलर्स पे आना पड़ रहा है।
एंड आई फील रियली रियली हैप्पी राज, क्योंकि आपका जो विजन है बहुतों ने देखा है, आपने बहुत ही नई चीज़ों के साथ अपने चैनल पे शोज़ लॉन्च किए हैं, लाइव फॉर्मेट लॉन्च किया है पहली बार, तो हमारे शो के साथ आई रियली होप कि आपका जो विजन है, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो हमारे लिए सक्सेसफुल हो, एंड फिंगर्स क्रॉस्ड. तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड क्योंकि ये शो का कॉन्सेप्ट, मैं सिर्फ फेस हूँ और बॉडी हूँ लेकिन जो शो का कॉन्सेप्ट है वो मिस्टर राज कुंद्रा का है, जो मेरे बेटर हाफ है. तो अगर वो बोलें इसके बारे में तो वो एक्चुअली मेक्स, इट विल मेक मोर सेंस. सो राज कुंद्रा. At your service, ma'am, 24/7. Members of the press, thank you so much for coming today and for giving us all your support. This is India's first live game show, and from the bottom of my heart, I have to thank Raj Nayak. You know, it's very easy to say, let's start something new, let's do something out of the box. But when you're making something for the box, you can't really think too far out of the box. And one man that has vision beyond television, a man that's close to my heart, a dear friend, a visionary. I went to him, and within 30 seconds of explaining the concept, he said, this has got feet to stand on, and I think it can do really well. So firstly, I'd like, thank you, Raj Nayak ji, my dear friend, for accepting the show and helping us on getting the show on air. I'd like to thank the whole team who's worked on it, the whole ChaseBit team, Nazar, Sachin, Alankar, Ryan, all of you guys. Well done, great job. I'd like to thank the sponsors that have helped us here, VLCC, Paytm, and more partners come on as we speak. This show is going to be exciting. Every Sunday, one lucky winner in India who bids the lowest unique bid will win this beautiful Ford EcoSport car. The show concept is phenomenal. We've got everything you need. So even if you don't want to bid, if you just want to watch the show, we've got celebrities coming every week. There's entertainment, there's comedy, there's Pinky Auntie. So we need all your support. And starting next Sunday, 24th on Colors, 12 o'clock, for the next 26 weeks, there will be a car given every single week. Without further ado, I'd like to call on Mr. Raj Nayak to please come on stage and say a few words. Instead of going for a reality live show, why can't you have chosen some other Saas Bahu drama, you know? अच्छा सवाल है ये. TV हमेशा से मेरे लिए बहुत lucky रहा है. आपने देखा ही होगा मेरे career graph में. I think जब भी spike आया है, वो TV की वजह से आया है. जब राज ने इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, मुझे बहुत इम्प्रेसिव लगा. लेकिन मैं सोच रही थी कि लाइव टीवी करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत सारे हर्डल्स होते हैं. और फिर जब ये कॉन्सेप्ट इनके दिमाग में आया, तभी हमने राइजिंग स्टार को देखा पॉपुलर होते हुए कलर्स पे, और वो भी इनके विजन की वजह से बहुत सारे रिस्क लिए और वो लोगों के साथ कनेक्ट हो पाया. तो व्हेन राज वेंट एंड मेट दिस राज, उनको ये कॉन्सेप्ट बहुत भाया. क्योंकि मुझे लगता है कि संडेज जो होता है वो फैमिली डे होता है. और जब बचपन में मुझे याद है, हमें सिर्फ 11 से 1 बजे तक ही टीवी अलाउड होता था, वीकडेज पे अलाउड नहीं होता था. और तब हमें महाभारत और रामायण देखने को मिलता था. आज आई फील एक अगर आप 12 से 1 बजे का टीवी स्लॉट देखें तो फैमिली ओरिएंटेड है, लेकिन ऐसे नहीं है कि एकजुट होके कुछ ऐसे कर पाए. क्योंकि हमारे घर में संडेज पे एक रिवाज है कि हम लोग हाउजी बैठ के खेलते हैं. तो जो घर के काम करने वाले भी हैं वो भी हाउजी खेल सकते हैं, लेकिन उनको 100 रुपये का टिकट खरीदना पड़ता है, यू नो, टू विन. और एक जो फैमिली एटमोसफेयर पैदा होता है, एक मिलजुल के जो एक गेम को खेलने का मज़ा होता है, वो कुछ अलग होता है. तो वही फीलिंग वापस इंट्रोड्यूस करने के लिए संडे स्लॉट का होना बहुत ज़रूरी था. और स्पेशली एक ऐसे टीवी चैनल पे जो फैमिलीज को बहुत भाता है. दैट्स वाई इट वॉज कलर्स, एंड आई थिंक दिस एंटायर अमैलगम एंड कमिंग टुगेदर हैपेंड, इट वॉज डेस्टिनी. आई एम सो हैप्पी दैट राज नायक साहब जो हैं, उनको राज का विजन समझ में आया एंड ही एक्सेप्टेड, एंड आई रियली होप इट वर्क्स.
उसके अलावा जब आप इस तरह के शो की बात करते हैं, लाइव शो की बात करते हैं, तो जो ऑडियंस अर्बन सिटी मेट्रो सिटीज़ की तो लोग समझ पाएंगे कि बिट क्या होती है और लगा भी पाएंगे, लेकिन रूरल एरियाज़ की अब बात करें, इंटीरियर्स की बात करें, वहाँ कितना पहुँच पाएगा शो और क्या पॉसिबिलिटी है द पीपल फ्रॉम रूरल एरिया और देन इंटीरियर गोइंग टू बिट फॉर इट? देखो, एक तो पेटीएम हमारा पार्टनर है जिसके पास 23 करोड़ कस्टमर बेस है, तो पेटीएम पहुंच सकता है तो हमारा गेम शो और कलर्स के थ्रू हमारा गेम शो भी रूरल इंडिया पहुंच सकता है। शो के स्टार्टिंग में समझाया जाएगा प्रॉपरली कैसे खेलते हैं, और एक बार ये लाइव हो जाता है तो 55 मिनट के अंदर आपके पास टाइम है बेट करने के लिए। तो इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस, बोली लगाओ और वेट करो, सबसे कम सबसे अनोखी। द थिंग इज, अभी आपको 5 बिट मिले, मगर जब आप रियल लाइव खेलोगे तो कोई नंबर्स का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप एक घंटे में जितना चाहिए उतना बोली लगा सकते हैं। और जैसे शिल्पा जी ने कहा कि आज आप किसी घर में भी जाओ, यू नो मेरे घर में तो मैं आई कैन रिलेट टू इट, कोई एक दूसरे से बात नहीं करता है, कोई अपने आईपैड पर है, कोई फ़ोन पर है, एक ही कमरे में बैठे रहते हैं तो सभी मोबाइल फ़ोन पर है। इनफैक्ट विद इन द हाउस यू हैव टू सेंड एन SMS मैसेज टू गेट द अटेंशन ऑफ एन अदर पर्सन। इन अ सिनेरियो लाइक दैट, जहाँ ऑलमोस्ट 900 मिलियन मोबाइल फोन्स है इस कंट्री में, ये छोटे से छोटा बच्चा भी खेल सकता है और देर इज नो एज लिमिट, नथिंग। एंड क्योंकि इसमें मिनिमम बिड नहीं है तो इसके लिए कोई भी खेल सकता है, सो दैट इज़ अ ह्यूज थिंग। और पेटीएम का बेस है और कलर्स का बेस है, वी रीच 180 मिलियन हाउस होल्ड्स, सो टुगेदर हो सकता है ये। मैंने राज को भी पहले ही बोला, मैंने बोला राज यू हैव टू हैव पेशेंस, ये मत सोचो कि पहला हफ्ते में ये सुपर हिट हो जाएगा, क्योंकि इसको समझने में, लोगों को अंडरस्टैंड होने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट दिस इज समथिंग वंस इट पिक्स ऑन बिकम वायरल, ये तो मतलब मैं शिल्पा को कह रहा था कि हर मदर डाउनलोड्स एंड प्लेज राइजिंग स्टार, उन्होंने उस वक्त मेरे को एक फोटो भेजी थी, से माय मदर इज आल्सो प्लेइंग, तो मैंने बोला इफ योर मदर स्टार्ट्स प्लेइंग दिस गेम देन आई थिंक इट्स अ हिट। मेरी मम्मी थोड़ी सी टेंशन में थी कि अगर मैंने गाड़ी जीत ली तो मुझे मिल जाएगा। मैंने कहा हमारे हाथ में तो है ही नहीं, क्योंकि जो भी बिडिंग प्रोसेस है हमें आखिर तक पता नहीं होता कि कौन जीतने वाला है। हमें हु इज द पर्सन, हु आर द पीपल इन बेसिकली, वी यूज्ड एन इजरायली साइबर सिक्योरिटी फर्म दैट लॉक्स एवरीथिंग, सो जब तक आखिरी सेकंड नहीं खत्म होता तो वी विल आल्सो नॉट नो कि किसकी बिड कितनी आई है। जैसे ऑक्शन खत्म होता है एक ईमेल जाता है विनर को और एक ईमेल हमारे पास आता है, तब पता चलता है कौन जीता है। आई थिंक सो आई मीन वी आर लुकिंग एट टोटल ऑडियंस, वी आर नॉट फोकसिंग ऑन रूरल ऑडियंस और सच, बट आई जेन्युइनली थिंक फॉर अ रूरल ऑडियंस विनिंग अ कार इज अ ह्यूज एस्पिरेशन, यू नो फॉर पीपल लाइक यू एंड मी इट मे नॉट बी एन एस्पिरेशन, यू नो फॉर बट फॉर अ पर्सन हु डजंट ओन अ कार, who's thinking of buying his first scooter. No, it is a big aspiration, yaar. Kisi ke liye bhi. Haan, humme se koi bhi bole, agar free mein gaadi mil jaye, 10 paise mein, 20 paise mein. Raj, I think everybody would be excited. Mere ko de do, yaar, ye wali gaadi. No, but main fit na hoon, shayad. Aapko bhi chahiye, theek hai. So that's what I said. We are not targeting any one audience. We want to reach India as far as we can reach it. Is it an AFP? No. Pardon? Can you tell us a little bit about your weekend strategy? We are the number one channel on weekends right now. We have been for a long time. We are the number one channel actually in the country today. Having said that, weekends is something we like to grow. We have, if you see our prime time, is all starts from 7 o'clock in the evening. It's right up to, now with Big Boss coming, it will go up to 11:30 in the night. And the afternoon time, the morning time is something that we've been experimenting and going out and coming back. We haven't found the right show for it. We hope. And that's why we put it at 12 o'clock. 12 o'clock for us is a huge, it's a big prime time on a Sunday morning. So we believe in the show. That's why we put it at 12 o'clock on a Sunday. And like I keep saying, we keep our fingers crossed and hope that it works. It will. I want to ask you a question. Yes. Will you play every Sunday? I'll try. Okay. That means you really don't want the car. शिल्पा, हेलो, हेलो, हाय शिल्पा, जी न्यूज़ सोनल,
शो काफ़ी अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग है, लीक से हटकर है और आजकल की जो ऑडियंस है उसको इस तरह के शोज़ पसंद आते हैं. फ्यूचर में कुछ और भी इसी तरह के शोज़ लाने की प्लानिंग है, पाइपलाइन में है हम? टीवी में फॉरे करना डेफिनेटली हमारा प्लान है. अगर है दो तीन कॉन्सेप्ट्स हमारे पास, लेकिन स्लॉट मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि एवरी चैनल ऑलरेडी यू नो प्लान्स इन एडवांस. सो अगर हो पाता है तो बहुत जल्द इंशाल्लाह हम लोग वो भी अनाउंस करेंगे. दो सवाल और हैं पिछले कुछ दिनों के इंसिडेंसेस को लेकर. पहला, आपने हालांकि ट्विटर पे बोला भी था जब फोटोग्राफर्स ने आपकी फ़ोटो क्लिक करी थी, एक वो सवाल है, और दूसरा ये आके स्टूडियो में जो आग लगी थी सुपर आंसर के सेट पर, आपकी कुछ मेमोरीज, दो सवाल. देखिए, उसके लिए बहुत जल्द सुपर डांसर हम लोग लॉन्च करने वाले, वो प्लेटफॉर्म मैं यूज़ करूँगी. आज अनफेयर होगा उसके बारे में बात करना. और जो फोटोग्राफर्स के साथ हुआ, मैंने बोला जो मुझे लगा सही लगा, और मैं सिर्फ बोलने के लिए बोलती नहीं हूँ, मैं दिल से बोलती हूँ जो भी बोलती हूँ. ये आप सभी जो हैं यहाँ पे मेरे मेरे जर्नी का एक हिस्सा रहे हैं, और एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट सा रहा है आपके मेरे बीच में, वो हमेशा रहेगा. मैं इंडस्ट्री में रहूँ नहीं रहूँ, तो मुझे बहुत बुरा लगा जब इस किस्म का अपॉर्चुनिटी है. हम कभी भी कोई भी शो का ग्रीन सिग्नल देते हैं, हम दो चीज़ देखते हैं. एक देखते हैं उसका फिजिबिलिटी फाइनेंशियली, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली व्यूअरशिप. अगर हमको लगता है ये शो हमको व्यूअरशिप दे सकता है तो हम उसको ग्रीन सिग्नल देते हैं. और हमको लगता है ये शो, जैसे मैंने कहा, इट विल टेक अ लिटिल टाइम टू बिल्ड अप, बट इफ इट कैचेस ऑन देन इट विल स्प्रेड लाइक फायर. और कोई सवाल? हो गया क्या? खत्म? एक और. जोइता बहुत चुप बैठी है, उसको गोल्ड कॉइन मिला नहीं है, वो बहुत गुस्से में है मुझे लग रहा है. हाँ, बिड करने की कोशिश कर रही हूँ अभी तक. अभी बिडिंग शुरू करो, अभी प्रैक्टिस करो घर जाके. मेरा सवाल अर्चना जी से है कि जब भी कोई टीवी पे होस्ट आता है तो वो अपने अपीयरेंस को लेके काफी मतलब परेशान रहता है, बट आपने पूरा लुक अपना चेंज किया है, तो उसके बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे? मैं सच्ची जवाब दूं, बिल्कुल सच्ची. मेरे को अभी लगता है कि यार अब मैं लाइव स्टेज पर, तो हल्का सा जो 2-4 किलो है उसको लूज करके बड़ा मेहनत करके आना पड़ेगा. एक ऐसा लुक डिवाइस करो जिसमें स्टमक अंदर करके एक घंटा नहीं खड़ा होकर टीवी के सामने बात करना पड़े. तो मैंने बोला लुक ही ऐसा कर दो कि मोस्ट कंफर्टेबल, एकदम बिल्कुल रिलैक्स होकर मैं अपना सोफा साथ में लेकर घूमूं, कहीं बैठ जाऊं. है तो मतलब रियली मुझे ऐसा लगा कि इस लुक में मैं आई कैन बी माई सेल्फ. एक्चुअली ना मैं ऐसी ही हूँ एकदम. अगर आप मुझे कहीं देखोगे पहचानोगे नहीं. एक तो आधा किलो मेकअप नहीं होता, बाल ऐसे बांधे हुए होते हैं, एकदम रिलैक्स टाइप का. तो इस लुक में मुझे लगता है मैं टीवी कैमरे के सामने भी ना एकदम रिलैक्स होकर, एंड लुक एट दिस पिंकी आंटी, नहीं दिख रही आपको? एक कैरेक्टर को बनाने में यू नो एक फिजिकैलिटी की ज़रूरत होती है ना. तो गलती तो मैंने ये की कि आपने बोला अर्चना जी और मैंने फट से कर दिया, तो इसका मतलब मैं करेक्टर में हूँ नहीं, अब वापस आ गई हूँ मैं. तो पिंकी आंटी का जो लुक है, जो फिजिकैलिटी है, और जो पिंकी आंटी का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है और कैरेक्टराइजेशन है, वो इस लुक के साथ एकदम फिट होते हैं. और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ब्यूटिफुल मोस्ट, तो उन्होंने बोला ये मुझे मोस्ट ब्यूटिफुल. तो ये शिल्पा एंड ऑल दे हैव टू रियली वरी नाउ हाउ देयर पॉपुलैरिटी विल फेयर इन फ्रंट ऑफ मी. इट इज देयर प्रॉब्लम, आई हैव नो प्रॉब्लम. एक्चुअली व्हेन आई वाज कंसेप्चुलाइजिंग द शो, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि ऐसा एक कैरेक्टर होना चाहिए जो हर घर में होता है. So I find every house has this auntie that comes and nags, that comes and says, beta, ye kyun nahi, wo kyun nahi. So auntie ji was a very main part of the show when I started conceptualizing. Separately, there are many bidding sites in the country, many bidding sites out there, but nothing that links TV audience and a site together. So mainly ye tha that if we can link this technology and software and have a dual screen technology, jo ghar baithe aap khel sakte ho, live dekh sakte ho, ka aap jeete ho ya nahi jeete usi time pe, it would be quite unique. And I think that's when the meeting with Rajana happened, and it's become a reality. This is a baby for me. Last 9 months we've been holding this baby, and it's just beautiful to see that it's coming to life next Sunday. Thank you.